अचानक सुनना तो खून आ रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं 3-4 दिनों से सोच रहा था कि ब्लॉग शूट करूं, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, नाक से ब्लड आने लगा। और पहले 2-3 दिन पहले थोड़ा सा ब्लड आया तो मुझे लगा नॉर्मल है, ऐसे भी गर्मी के टाइम में सूख जाता है नाक तो ब्लड आता है। बट 2 दिनों से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, तो कल हम डॉक्टर के पास गए और उनसे दिखाया तो बहुत सारे टेस्ट लिखे, एक्सरे हुआ और पता नहीं क्या क्या टेस्ट हुआ। तो उसमें पता चला कि मेरा प्लेटलेट्स बहुत कम है, इसलिए ब्लीडिंग हो रही है। और आगे कोरोना ख़त्म होता है तो फिर अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे और सारे टेस्ट कराएंगे, तब जाके पता चलेगा मेन रीज़न क्या है ब्लीडिंग का। तो आगे का अब क्या होता है तो समय आने पता चलेगा। लेकिन आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स का हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है और हम लोग खुल के सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जैसा होगा वैसा, भी लॉकडाउन में तो खैर केक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, घर में ही केक बनेंगे। और बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है, तो हम केक के लिए जा भी नहीं सकते। आप बात कीजिएगा, ये तो इतना वीकनेस हो गया कि बार बार नींदे आ रहे हैं हमको। तो आज मम्मी और पापा का मैरिज एनिवर्सरी है और मम्मी केक की तैयारी में लगी हुई है। मम्मी क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है? इसमें वेनिला, मैदा, वेनिला और वेनिला कस्टर्ड, कस्टर्ड हाँ, वेनिला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर, हाँ, दूध, हाँ, मैदा, हाँ, चीनी, हाँ, और बेकिंग सोडा। वेनिला कस्टर्ड पाउडर का कोई आज तक नहीं बनाया। चलो नया ट्राई कर रही हो ना, ट्राई कर तो करना चाहिए नया ट्राई। तो गाइस मौसम ऐसे फ्रेश हो चुका है, बट लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद हैं, कुछ मिलना नहीं, ना अंडा मिला ना केक मिला। तो मम्मी खुद से ही केक बना रही है, वो भी एगलेस केक। बलून ये सब नहीं मंगाए माँ, बलून मंगा दो ना, टोनू को भेज के बलून मंगाते हैं। हाँ। अरे बहुत मजा आएगा। किसकी दुकान में? इस्तखार की दुकान में। तो मुरहर से मंगा लेते हैं ना, बारिश भी खत्म हो गया, मुरहर से मंगा लेते हैं। भाई लॉकडाउन में ना कोई दुकानें नहीं खुली है, कुछ नहीं मिल रहा, ना एक मिला ना कितने बजे केक कट होगा माँ? पापा आएंगे तब ना केक तो कटेगा, केक तो कटेगा। बोल माँ केक कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना, तो फिर क्या बोल रही है नहीं कटेगा? शर्मा रही है मम्मी, अम्मा फिर से फोन आएगा तो उन्हीं से दिखाएंगे अभी यादव से। नहीं नहीं फिर तो जाना होगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर सब हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट है, कहाँ जाएंगे? डॉक्टर को पता तो जाना ही होगा, अभी तो नहीं आया है यार। लॉकडाउन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिसको कोरोना है वो तो खतरे में है ही, जिसको कुछ और बीमारी होगा वो तो ऐसे ही मर जाएगा, कोई डॉक्टर देखने के लिए नहीं बैठा हॉस्पिटल में, मतलब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। कल का तो हाल ही मत पूछो, कल इतना खून निकला मेरे शरीर से कि पूरा वीकनेस आ गया है, मन कर रहा है हमेशा सोते रहे। जलवन में कैसा होता है इसमें कार्टून में? अरे इसमें ये तो पॉलिथीन ही पॉलिथीन पड़ा हुआ है, ये किसे बनाएगा? कुकर में? हाँ कुकर में ही बना दो। देखते हैं आज तुम्हारे केक का टेस्ट कैसा होता है।
तो गाइस मम्मी अभी केक की तैयारी कर रही है। और केक बनने में कितना टाइम लगेगा माँ? लगभग 40 से 45 मिनट लगेगा केक बनाने में। ये मेरा छोटा भाई CS स्टूडेंट है, लॉकडाउन में घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई क्या कर रहा है, देखो मोबाइल में क्या देख रहा है। अरे भाई YouTube चल रहा है, YouTube कॉन्सेप्ट बना रहा है। बोलो दर्शकों, बोलो है गाइस, है गाइस, है गाइस। बारिश खत्म होने वाली, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है ना, मस्त वाला मौसम है। ये देखो क्या मस्त मौसम हो गया भाई। ऐसे ही रहता अब ना, बहुत गर्मी था 4-5 दिनों से, भाई 4-5 दिनों से हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब जाके मौसम बहुत ही फ्रेश लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। वैसे 2-4 दिन में बारिश हो जाना चाहिए, नहीं तब जाके वो बना रहेगा संतुलन, पर्यावरण का संतुलन। क्या देख रहा है? पढ़ रहा है। ओ पढ़ाई भी करता है तू घर पे रह के? यूट्यूब पे चल झूठा। ये है मुन्नू, इसकी वाइफ इसको छोड़ के चली गई, तब से बेचारा अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है। दुबला पतला होते जा रहा है मुन्नू। खाओ पियो बे, दूसरी बीवी तेरी लाएंगे, दूसरी गर्लफ्रेंड लाएंगे तेरे लिए, ठीक है? ठीक है, बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो हाय। गाइस भी फिलहाल लाइट कट गई है, और ये देखिए माँ का बनाया हुआ केक अभी बिल्कुल तैयार नहीं है, बट देखो कितना अच्छा सा पोस्चर लिया है। ये तो फूल फूल के फट गया माँ। छोड़ो 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 इसको, छोड़ो 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 छोड़ो। अभी कितना टाइम लगेगा माँ इसको? अभी और 10 मिनट, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट बाद केक तैयार। और लाइट कब आएगी यार? लाइट भी नहीं। मस्त सा केक तैयार हो गया माँ। अरे वाह, ये देखो जुगाड़, पहले बड़ा सस्पेन, उसके अंदर क्या है माँ? पानी पे स्टैंड, स्टैंड के ऊपर से फिर ये कटोरा, और कटोरे में है केक। तो फाइनली केक बन के हो गया तैयार, अब बस ये कटने की बारी है, रात में केक कटेगा फिर। अब मस्त केक हुआ है। इस शाम के बज चुके हैं 4, लेकिन मौसम देखो, बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले साल ऐसे ही बारिश आया था तो बाढ़ आया था, मेरा घर बाढ़ में डूब गया था। मेरी चाचा की फैमिली है जो नदी किनारे वहाँ पे है, वहाँ पे बाढ़ आया था, वो सारी फैमिली हम लोग एक साथ थे इसी घर में। तो ऐसा सिचुएशन लग रहा है जैसे कि फिर से बाढ़ की स्थिति बन रही है, क्योंकि ऐसे बारिश होता रहा तो फिर बगल में नदी भी है, बाढ़ होना निश्चित है। ओ माँ, मस्त मस्त केक बनाया है, मस्त। इसको गार्निश कैसे करोगी? चॉकलेट मंगा के ना पिघला के ऐसे ऊपर से डाल देना, मस्त हो जाएगा। अब लॉकडाउन में सारे दुकान बंद है, हेलो, तो अच्छा है ना घर में बनाना, मस्त वाला केक बना, मस्त। अब टेस्ट कैसा होगा तो काटने के बाद पता चलेगा। मैंने अच्छा बन गया, और चॉकलेट पिघला के ना ऐसे ऊपर से डाल देने से, नहीं अभी नहीं अभी नहीं, चॉकलेट पिघला के ना अच्छे से डाल देने से मस्त हो जाएगा। मस्त वाला, इस पर लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:14, और हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं फ्लैश लाइट से, क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे, मौसम ख़राब होता है तो लाइट कट जाती है। और मौसम ख़राब क्या, कल रात से ही बारिश हो रही है, जो अभी तक हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। और मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, मैनेजर एनिवर्सरी, और केक काटना है, तो लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। लाइट जैसे ही आएगी वैसे हम लोग केक काटेंगे, और देखिए कब तक लाइट आती है, और हम केक काटेंगे फिर खाएंगे। फाइनली गाइस लाइट तो नहीं आई, बट हम लोग इस लाइट के सहारे पापा का मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। जलाओ 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 कैंडल जलाओ, जलाओ कैंडल जलाओ, यहाँ लगाओ इसको, ऐसे खड़ा करके लगा दो। लाइट आने वाला है।
ऊपर लगा दो, गिर जाएगा, गिर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऊपर मत लगाइए, काफी बड़ा कैंडल है। कोई बात नहीं, यूनिक मेरे से बनाया जा रहा है। हाँ जी, ये पकड़ लीजिए। चलिए आप लोग अब केक कट कीजिए। बाहर साइक्लोन साइक्लोन कैंडल हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पापा मम्मी, थैंक यू। एक ही बार में पूरा पूरा पार्ट पार्ट कर दो। एक पहले आपको खिलाइए, पहले आपको खिलाइए, सबसे छोटे पहले उधर दो ना, पहले पापा ना, पापा को पहले पापा मम्मी। ओ नहीं, एक एक अलग अलग खाइए आप लोग, अलग अलग खाइए। हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग अच्छा नहीं नहीं, मेरा नहीं आया क्लिप, मेरा नहीं आया। अब आया, अब आया। अच्छा बना, सब क्या है, रुके ना, अभी कर रहे हैं ना, वीडियो कर रहे हैं। माँ, ये शादी का 30वां साल गिरा है, 31वां साल गिरा है। Oh my God, 31 साल तक एक दूसरे को आप लोग झेल लिए। बार कितना मोटा काटे हैं पापा। Oh my God, ये किसके लिए, मैं किसके लिए, सबके लिए। बना दो पीस बना दो। अच्छा बना है ना? बढ़िया केक बना है। इस लॉकडाउन में इतना अच्छा केक घर पे बनाए, खिला दी, और क्या चाहिए। हम लोग को इतना बड़ा केक मिल गया लॉकडाउन में। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:24 और लाइट अभी जस्ट आई है। पूरा केक वो कटने का सेलिब्रेशन होने के बाद लाइट आई है। तब हमें लग रही है भूख, हम जा रहे हैं खाना खाने। खाना खा के फिर आपसे बात करते हैं। आलू सोयाबीन की सब्जी, पूरी और खीर। तो गाइस खाना अपना तो हो गया कंप्लीट। अब हम इस ब्लॉग को एडिट करेंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। आप अपने ब्लॉग को देखो और खुश रहो। सुख दुख तो आते रहेंगे, इंसान को खुश रहना चाहिए, खुशी के पल ढूंढो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।